और यहाँ उपस्थित संख्या में सर्वाधिक प्रतिनिधि राजस्थान के ही हैं, तो हमारे अपने श्री ओम बिरला जी। परम पूज्य आचार्य मां श्रवण जी की ये अहिंसा यात्रा के समापन समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आचार्य महाश्रवण जी के चरणों में सशस्त्र नमस्तु नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, केंद्र सरकार में संसदीय और संस्कृति मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, राज्यसभा में हमारे सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, नेपाल के पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा जी और देश भर से आए तेरापंथ समाज के सभी बंधु भाइयों बहनों, आचार्य श्री ने ऐतिहासिक रूप से इसी दिल्ली के लाल किला मैदान से 9 नवंबर 2014 को अहिंसा यात्रा शुरू की थी और आज 7 बाद आचार्य जी की ये अहिंसा यात्रा का समापन यहां पर हो रहा है। आचार्य जी ने इस यात्रा में भारत के अलग अलग राज्यों, उनके गांव ढाणी शहरों में तो पद यात्रा की, इसके साथ साथ आचार्य जी ने हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भूटान की भी यात्रा की और वहां भी उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का संदेश वहां की जनता तक पहुंचाए। आचार्य जी ने अपने जीवन में अभी तक 52,000 किलोमीटर की यात्रा की है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। अहिंसा यात्रा भी उन्होंने 18,000 किलोमीटर की अहिंसा यात्रा की और इस अहिंसा यात्रा में उन्होंने पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के आसपास के देशों के अंदर भी सद्भावना, सदाचार, नैतिकता और नशा मुक्ति के संकल्प के साथ इस यात्रा को किया। उनके व्यक्तित्व और आचरण से संपूर्ण समाज में एक व्यापक परिवर्तन आया, क्योंकि देश के अंदर पद यात्रा जनमानस से जुड़ने का सबसे प्रमुख साधन है। पद यात्रा के माध्यम से हमें देश के अलग अलग राज्यों, गांव, शहरों की, हमारी विविधता वाली संस्कृति, विविधता वाले विचार, विविधता वालों की कल्चर हमें देखने को मिलती है और आचार्य जी ने उस विविधता को जोड़ते हुए एक संदेश, अहिंसा का संदेश जो भारत के मूल में है, आज दुनिया के अंदर भगवान महावीर का संदेश, अहिंसा का संदेश आज भी दुनिया के अंदर प्रासंगिक है। जैन धर्म के भगवान
आदिनाथ, पार्श्वनाथ और भगवान महावीर ने अपने विचारों से, सिद्धांतों से दुनिया को एक नई दिशा दी है और आज यही दिशा दुनिया अपना रही है। और जिस तरीके से माँ श्रवण जी ने आचार्य तुलसी जी की, आचार्य महाप्रज्ञ जी के विचारों और सिद्धांतों को देश के जन जन तक पहुँचाया, उनके दिए गए विचारों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाया, आज उसी का परिणाम है कि एक व्यापक आध्यात्मिक चेतना समाज में आई है। आपके प्रयासों से दूर दराज इलाकों के अंदर जहाँ उग्रवाद था, जहाँ हिंसा का वातावरण था, उन क्षेत्रों में भी जाकर आपने उग्रवाद और हिंसा वाले क्षेत्रों के अंदर आपके प्रयासों से, आपके विचारों से, आपके ज्ञान से, आपके शासन के वहाँ के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। हजारों लाखों लोगों ने जहाँ नैतिकता सदाचार को अपनाया, वहाँ लाखों लोगों ने आपके संकल्प के साथ नशा मुक्ति के संकल्प लिया, जिससे समाज में एक व्यापक परिवर्तन हुआ। जैन धर्म हमेशा अहिंसा के साथ, नैतिकता के साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर, जैन धर्म नहीं, जैन एक विचार है, और जिस तरीके से हम अपने जीवन को आत्मसंयमित कर अपने जीवन को सदाचार नैतिकता के साथ, जीवन में सब कुछ समाज का है, परिग्रह है, और त्याग और तपस्या हमारे जीवन में रहे और समाज के अंदर हमेशा हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से, हमारे विहार से, आचरण से हम समाज को कुछ दे सकें, ये जैन धर्म की अवधारणा है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को आत्म केंद्रित करता है, जो इंद्रियों को वश में करता है और इंद्रियों में वश करके अपने संयमित जीवन का मार्ग दिखाता है, तो वह जैन धर्म दिखाता है। और आचार्य महाश्रवण जी ने इन्हीं विचारों को लेकर एक लंबी अहिंसा यात्रा के माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान, भारत की नैतिकता, भारत की सदाचार को समाज के अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पहुंचाया। मैं महाश्रवण जी को इस मौके पर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। महाश्रवण जी के आदर्श व्यक्तित्व और कृतित्व के आज हमारे यहाँ उपस्थित जन समूह के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र, पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है, और उनकी यात्रा निश्चित रूप से हमें नई रचनात्मक ऊर्जा देती है, रचनात्मक संदेश देती है, नया करने का संकल्प देती है। उनके बताए गए मार्ग पर हजारों लाखों अनुयायी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सदाचार, नैतिकता और नशा मुक्ति का संकल्प लेकर आगे चल रहे हैं। मुझे आशा है समाज में आपने जो पदयात्रा की है, जो संदेश दिया है, वो समाज आत्मसात करेगा और हम नए भारत के निर्माण में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और ये संकल्प का वर्ष है। मुझे आशा है आपने जो नैतिकता, सदाचार और नशा मुक्ति का संकल्प लिया है, समाज उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ेगा। मैं पुनः माँ श्रवण जी के चरणों में सशस्त्र नमन करता हूँ और आपके गए प्रवचन, आपके दिए गए उपदेश, आपके गए ज्ञान, आपके गए विचारों को समाज इसी तरीके से आगे लेता जाएगा। पुनः माँ श्रवण जी के चरणों में सशस्त्र नमन।